नमस्कार। हम बात कर रहे थे समरूपता की, उसी का हम आगे वाला टॉपिक है। हमने थेस प्रमेय पढ़ी थी, उसके बाद बात करते हैं हम थेस प्रमेय का विलोम की बात करते हैं। अब थेस प्रमेय का विलोम, यानी कह सकते हो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम एक ही बात है। अब थेस प्रमेय का विलोम देखो, थेस प्रमेय तुम्हारी ये थी कि वो एक भुजा के समांतर खींचे रेखा समानुपात में विभाजित होती है। अब इसका उल्टा कथन क्या होगा, त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या है आपकी बात? आपकी बात यह है कि आपको कह दिया कोई त्रिभुज ऐसे, नाम दिया ए बी और ए सी। अब ये रेखा है हमारे पास डी और ए ई, ये रेखा डी ई है ना, जो बिंदु ये डी ई बिंदु पर क्या करती है, दो भुजाएं कौन सी ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को समानुपात में बांटती है। मानो पहले कह दिया वहां सिद्ध करना था समानुपात में बांटती है, अब समझ दिया था समांतर, मतलब इसके बटा में ये वाला इसके बटा में ये वाला हमें दिया हुआ है, पहले ये हमें सिद्ध करना था। अब सिद्ध करके दिखाना है कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। सबसे पहले दिया को लिखते हैं, दिया है क्या दिया हमें कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई इस प्रकार है, किस प्रकार है कि ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में क्या ई सी, ए ई बटा में ई सी, ये तो आपको दिया हुआ है। चलो उसकी बात करते हैं, बात है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि जो समानुपात में बांट रही है कौन बांट रही है, डी ई, वो क्या है तीसरी भुजा कौन सी बच्ची हमारे पास है बी सी के क्या है समांतर है, ये सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं रचना, मान लो कि डी ई समांतर नहीं है तो बी सी के कोई ना कोई तो समांतर होगी जो डी से गुजरती हो, कोई ना कोई तो समांतर होने वाली है। सपोज करो कि मैंने कहने का मतलब ये रेखा है, यहां कोई बिंदु है, इस बिंदु से गुजरने वाली इसके समांतर कोई ना कोई रेखा तो होने वाली है, हमें पता नहीं कौन सी है लेकिन मान लो कोई ना कोई तो फिक्स रेखा होगी, इनमें से कोई ना कोई तो होने वाली है। अब मैंने मान लिया कि डी ई नहीं तो क्या मान लो, कोई डी एफ मान लो, चला डी एफ क्या है मान लो कि क्या बी सी के समांतर है, डी ई नहीं है तो मान लो, हमने क्या मान लिया कि माना डी एफ समांतर किसके बी सी खींच, तो डी ई नहीं है तो डी एफ होगी कोई तो होगी, मैंने मान लिया कि डी एफ है बी सी के समांतर। अब बात करते हैं हल की, ऊपर की। अब देखो त्रिभुज है ए बी सी में डी एफ समांतर है किसके बी सी के, ये कहां से रचना से। अब ये मान लो कि हमने मान लिया कि डी एफ समांतर है बी सी के, तो यहां क्या लगने वाली है, इससे पहले मैंने प्रमेय लगी थी कौन सी, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, मतलब थेस प्रमेय लगेगी, जब ये समांतर है तो समानुपात में तो बांटने वाली है ही, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा ए डी बटा में डी बी और ए एफ बटा में क्या आ जाएगा एफ सी, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां से लिखोगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, ठीक है, समांतर है इसलिए क्या हुआ अपने आप इसको समानुपात में बांटने वाली होगी। फिर जबकि हमें दिया क्या हुआ है, जबकि हमें दिया हुआ है कि ए डी बटा में डी बी बराबर है किसके ए एफ बटा में क्या है आपके पास ए ई बटा में क्या है ई सी, ये आपको आपको दिया हुआ है, जबकि हमें क्या दिया ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर है दो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
इक्वेशन नंबर एक और दो को देखते हुए मालूम चल रहा है इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रही है, बराबर हो रही है। ये साइड क्या है इसकी, बराबर। तो दूसरी साइड भी क्या होने वाली है इसकी, बराबर हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ई बटा में ई सी बराबर हो जाएगी इसके, ए एफ बटा में एफ सी हो जाएगा। ये आ चुका है। अब आप क्या करो इसको सिद्ध करने के लिए, आप एक तरीका है कि आप दोनों में क्या करो एक जोड़ दो, दोनों में क्या करो आप एक जोड़ के देखो, आपको मालूम चलेगा आपके पास क्या आएगा, ए ई बटा में ई सी। मैंने यहां भी एक जोड़ दिया और यहां भी मैंने जोड़ दिए। अब सोच रहे हो एक भी जोड़ा, आप देखना अभी क्या फायदा होने वाला है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो इसका लघुत्तम क्या आएगा आपके पास, ई सी आ जाएगा, और ऊपर वाले में क्या आएगा, ए ई बटा प्लस ई सी आ जाएगा। यहां लघुत्तम क्या आ रहा है, एफ सी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या होगा, यहां ए एफ प्लस एफ सी आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, आप इसको जोड़ो दोनों को, ये भी क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है, बटा में क्या आया ई सी, और यहां से भी क्या बन रहा है ए सी, और यहां नीचे क्या आया एफ सी आया। अब इसको ध्यान से देखो आप, ये भी ए सी और ये भी ए सी। अब नीचे भाग दे रहे हैं, वो संख्या अलग अलग होगी तो उत्तर सेम कैसे आ सकती है, ये अनुपात सेम कैसे हो सकता है, इसका मतलब तभी संभव है, यह है तभी संभव है जब क्या हो ईसी बराबर क्या हो जाए एफ सी। वो कहना चाहता है कि ईसी और ई एफ सी दोनों सेम है, कह रहा है कि ईसी और एफ सी क्या है, दोनों सेम है। मतलब ये दूरी और ये दूरी सेम कैसे हो गई, ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो ई और एफ एक ही जगह हो, ई और एफ एक ही जगह हो, मतलब ई और एफ यानी कि एक जगह हो जाएंगे, इसका मतलब डी एफ और डी ई दोनों संपत्ति होंगे, है ना। इसका मतलब क्या अर्थात डी एफ व डी ई क्या होंगे, संपत्ति होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होने वाले, क्या होंगे संपत्ति होंगे। अब जब डी एफ और डी ई संपत्ति है तो हम जानते हैं डी एफ तो क्या खींचते हमने समांतर, तो डी एफ भी क्या है डी ई के ऊपर है, और दोनों क्या है सेमी है, इसके बाद डी ई भी क्या हो जाएगी समांतर, इसलिए क्या हुआ हमारे पास डी ई समांतर हो जाएगी इसके बी सी की हो जाएगी। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि ये दूरी और ये दूरी कैसे पॉसिबल है, बराबर होगी तभी संभव है जब ये वाला बिंदु दोनों क्या हो सेम हो, पता है कहां हो सकता है, वो यहां भी हो सकते हैं, कि दोनों एक जगह होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होने वाले, एक दूसरे के संपत्ति होने वाले, चाहे इसके ऊपर आए चाहे इसके ऊपर आए की बात है। इसका मतलब डी ई वही है जो डी एफ है, डी एफ क्या है इसके समांतर खींची थी, इसलिए डी ई भी क्या होगी इसके समांतर हो जाएगी। ये तो हमारा क्या था राजपूत समारोह प्रमेय का विलोम। अब देखो इस पे आधारित हम सवाल देख लेते हैं इन दो प्रमेय के आधार पर। जैसे हमने कह दिया कि कोई एक चतुर्भुज है, मान लो आपको दे दिया ऊर्ध्वाधर साय का चतुर्भुज ऐसे, नाम दिया इसका ए पी सी और डी दे दिया। फिर सवाल में कहा कि एक इन भुजाओं के भुजाओं पर सभी भुजाओं पर ए बी बी सी सी डी और ए डी पर बिंदु है चार, इसे पी यहां लिया पी यहां क्यू यहां पे आर और यहां पे ले लिया मैंने एस, ये आपके पास क्या है चार बिंदु है, ये चारों बिंदु एसी के समान एसी के लिए एसी के सापेक्ष यानी कि ये वाली एसी वाली इसके सापेक्ष क्या करते हैं सभी भुजाओं को समत्रिभाजित करते हैं, क्या करते हैं समत्रिभाजित करते हैं। मतलब ये दो अनुपात है और ये क्या है आपके पास है एक अनुपात है, और ये दो है और ये क्या है एक अनुपात है। आप कह सकते हो कि बी क्यू बटा में सी क्यू क्या होगा दो बटा में एक है, ये आपके तो बस कह रहा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है ये जो आपके भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं, मध्य बिंदु नहीं जो भुजाओं के बिंदु दे रखे हैं भुजाओं पर, ये कौन से पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर को जब मिलाएंगे तो उससे एक चतुर्भुज बनेगा, क्या बनेगा चतुर्भुज बनेगा। तो वो कह रहा है आप सिद्ध करके दिखाओ ये चतुर्भुज क्या होगा आपके पास एक समांतर चतुर्भुज होने वाला है, ये चतुर्भुज क्या है एक समांतर चतुर्भुज होने वाला है, हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस क्या है समांतर चतुर्भुज है। अब सच में दिया है उसी हिसाब से हमें आपको सवाल भी समझ आ जाएगा दोबारा,
दिया है, क्या दिया कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं पर पी क्यू आर व एस बिंदु इस प्रकार है। किस प्रकार है? आप कह सकते हो कि बी पी दो ए पी है, वही बात यानी कि बी क्यू दो सी क्यू है, और यानी कि आपके पास डी आर क्या है दो सी आर है, और डी एस क्या आपके पास दो ए एस, ऐसे आपको दिया हुआ है। यानी कि क्या हुआ इस वाले हिसाब से इस तरह से जाते हैं, क्या करते हैं उसको दो अनुपात एक या फिर एक अनुपात दो में आपको दिया हुआ है, समान तीन भाग मतलब दो भाग उसको देता है, उसको समद्विबाजी विभाजित करता है। ये बिंदु क्या करते हैं इसे मान लो ये पी क्यू क्या है एसी के सापेक्ष इसे क्या करती है दो अनुपात एक में विभाजित करते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, फिर बोल रहा हूं सवाल को, सवाल ये था कि एसी के सापेक्ष जो मान लो ये बिंदु दिए हुए भुजाओं पर इसे मान लो पी क्यू को मिलाएंगे तो ये पी क्यू क्या करती है एसी के सापेक्ष इन बाकी जिनको प्रतिच्छेद कर रही है उन भुजाओं को दो अनुपात एक में विभाजित करती है, समद्विबाजी विभाजन लगा समान तीन टुकड़े करती है ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ एक बोल रहे सवाल। तो सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो आप बताइए रचना की जरूरत नहीं है, सिद्ध करते हैं उपपत्ति। मैं देख रहा हूं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आप देखोगे ध्यान से आपको मालूम चलेगा क्या कि ए पी बटा में बी पी और सी क्यू बटा में क्यू बी बराबर क्या आपके पास एक बटा में दो है, सही है, यह अनुपात क्या आपके पास है सेम, यहां से निकाल सकते थे आपको टेंशन है नहीं आप उल्टा भी लिख सकते हो टेंशन नहीं है, बीपी बटा में एपी और क्यू बी बटा में सी क्यू को टेंशन दो बटा में एक हो जाता। अब इसके क्या मतलब यह हुआ कि ये अनुपात क्या हो रहा है सेम हो रहा है, कौन बांट रहा है समान अनुपात में पी क्यू बांट रहा है, तो मैं त्रिभुज कौन सी बात कर रहा हूं ए बी सी में। अब देखो ये वाली क्या कर रही है बाकी इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए क्या हुआ पी क्यू क्या होगी तीसरी भुजा मतलब कौन सी है एसी, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास कि पी क्यू समांतर हो जाए किसके एसी के, पी क्यू समांतर हो जाए किसके एसी के, कारण क्या है आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम, ठीक है, क्योंकि समानुपात में बांट रही है इसलिए क्या हो गया ये तीसरी भुजा के समांतर हो गया, ये तो हो गया पहला। अब इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में भी वही सेम बात है, हमारे पास क्या आएगा ए एस बटा में एस डी और सी आर बटा में क्या आर डी, वो भी क्या है दो बटा में एक अनुपात होने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा वापिस वही आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से, तो एस आर समांतर हो जाएगा किसके ए सी के, कारण वही आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। अब देखो ध्यान से आप ये इक्वेशन में मान लिया दो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो हमारे पास ये प्राप्त हुआ कि पी क्यू किसे समांतर है एसी के, पी क्यू किसे समांतर है एसी के और एस आर भी किसे समांतर है एसी के, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास है कि पी क्यू समांतर है किसके एस आर से, क्योंकि ये वाली इसके समांतर थी और ये वाली भी इसके समांतर थी, इसलिए क्या हुआ ये आपस में भी क्या हो गए समांतर। इसी प्रकार जब हम ये क्या लेते हैं बेटा ये वाला लेते हैं इसे बी को डी से मिलाते हैं तब सेम का सेम ही सिचुएशन बनती है हमारे पास, और हमारे पास क्या आता एस पी समांतर हो जाती किसके हमारे पास आर क्यू के,
जब हमने एसी को मिलाया था तो हमारे पास क्या होता, इसके जो समांतर की वो होगी अपने आप। जब हम ये लेते हैं इसी प्रकार सेम सिचुएशन ये इसी करते हैं अनुपात निकाल के सेम का सेम इसी प्रकार लिखना पूरा लिखने की जरूरत नहीं आपको, तो ये वाली भुजा क्या हो जाती है इसके समांतर हो जाती है। तो आप देख लो आप बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्या हुआ कि चतुर्भुज कौन सा, चतुर्भुज ए पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में, चलो मैं लिख देता हूं बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ चतुर्भुज पी क्यू आर एस ए क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है समांतर प्राप्त होगी, कहां से प्राप्त होगी इक्वेशन है तीन और चार। इसी प्रकार मान लो कि आपको कोई सवाल दे दिया, जैसे कह दिया कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक बिंदु है ओ, ओ को त्रिभुज के तीनों बिंदु नाम दे दिया मैंने ए बी और सी, इन तीनों से मिलाया यानी कि ओ ए ओ बी और ओ सी। अब इन तीनों ओ ए ओ बी और ओ सी पर तीन बिंदु हैं एन एम और एन, ये इस प्रकार है मैंने आपको दिया है वो लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ओ ए ओ बी व ओ सी पर एल एम और एन इस प्रकार है, किस प्रकार है कि एल एम यानी कि एल एम समांतर है किसके ए बी के, वैसे ही क्या एल एन वह और क्या चीज है कि एल एन समांतर है किसके एसी, ठीक है। आपको दे दिया कि ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर, और फिर सिद्ध करके दिखाना है कि एम एन समांतर होगी किसके बीसी के, ये सिद्ध करके दिखाना है आपको, फिर इसके बाद सिद्ध करना है कि एम एन समांतर है किसके बीसी के, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। फिर है बात करते सीधे उपपत्ति रचना की जो ध्यान पड़ने वाली है, बस वही जो हमें दिया है उसी हिसाब से सवाल करते हैं। हमें दिया हुआ एल एम समांतर है एपी के, एल एम समांतर है एपी के, एपी और एल एम किस त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज कौन सा हमारे पास ए और बी में, ए और बी में क्या है कि एल एम समांतर है किसके एपी के, ये तो हमें क्या दिया है। अब देखो एक त्रिभुज में देखो एक भुजा के समांतर किसी की रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी समान अनुपात में बांटने वाली है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास देखो ध्यान से कि ओ एम बटा में एम बी बराबर होगा किसके ओ एल बटा में एल ए, यहां पर देखो देखिए तो क्या हुआ इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला, तो ये समांतर है। कारण क्या होंगे आधारभूत समानुपाती परिमेय, ठीक है। अब देखो अब की बात करते हैं त्रिभुज कौन सा ए ओ सी में, ए ओ सी में आपको दिया हुआ था कि एल एन समांतर है किसके ए सी के, ये हमें दिया है। अब दिया है तो इसलिए क्या हुआ हमारे पास इसमें भी क्या लगी आधारभूत समानुपाती परिमेय, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास ओ एन बटा में एन सी, और इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला, अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास समान आ जाएगा। ये भी कारण क्या लिखोगे आधारभूत समानुपाती परिमेय से। अब उसके बाद देखो ये तो हो गया, अब देखो इक्वेशन नंबर इसको नाम दिया मैंने एक, इसको दे दिया दो, लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी क्या है राइट हैंड साइड सेम है तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी सेम होगी, इसलिए हमारे पास क्या आया ओ एम बटा में एम बी, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपके पास ओ एन बटा में एन सी। अब इसको ध्यान से देखने पे मालूम चलेगा ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है बी ओ सी में, देखो त्रिभुज बी ओ सी में।
अब त्रिभुज बी और सी में क्या लगाएंगे, आधार भूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से, क्यों अनुपात समान है, मतलब इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला अनुपात समान है, इसलिए क्या हुआ वो भुजा समांतर होने वाली है, कौन सी एम एन समांतर हो जाएगी किसके बीसी के, ये कैसे हो गया क्योंकि हमें दिमाग में हो गया कि इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला इन दोनों का अनुपात क्या आ रहा है सेम आ रहा है, जब अनुपात सेम है तो क्या होती है समांतर होती है, समांतर होती है तो क्या होता है अनुपात समान होता है, यानी समांतर होती है तो अनुपात समान होता है, वो तो होती है आधारभूत समानुपाती प्रमेय होती है, अब अनुपात समान होता है तो वो रेखाएं समांतर होती है, वो किसे होती है उसके विलोम से होती है,